उसका उन्नीस अनुवाद इकोतीस अध्याय इकोतीस डिटोनमी अनुवाद चैप्टर 29 अध्याय इकोतीस वर्स 29 अध्याय इकोतीस व्यवस्था विवरण अनुवाद उनतीस इकोतीस उसका उनतीस अध्याय इकोतीस गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए गुप्त गोष्टे आपल्याला एक परमेश्वर याचा स्वाधीन आहे पण प्रकट केलेल्या गोष्टी आपल्या व आपल्या वंशजांच्या निरंतराच्या आहेत ह्याचा हेतू हा की या नियमशास्त्राचे सर्व वचने आपण पाळावे आपण पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभू येशू के नाम से प्रभु आपके सामने आते हम आपको धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथों में देते आपका वचन क्या ही सुंदर क्या ही पवित्र क्या ही शुद्ध है इसलिए वचन हम ध्यान से सुनेंगे और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना समझने के लिए तो सहायता करना प्रभु यीशु के नाम से आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अब यहाँ देखते हैं जिन्हें हम पाते हो कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है हालांकि गुप्त गोष्ठी अपने देव परमेश्वर ऐसे स्वाधीन है हमारा परमेश्वर ने इस संसार में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त रखी है आणि आपल्या देवाने जगह मध्ये अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या त्याने गुप्त ठेवल्या आहेत परमेश्वर नाही चाहता की वो बातें किसी और पर प्रकट हो जाए आणि देवाची इच्छा नाही की या गोष्टी दुसऱ्या कोणाकडे प्रकट व्हावी लेकिन दूसरा पॉइंट जो यहाँ लिखा है और दूसरा पॉइंट जो प्रकट हो गई है जब प्रकट चले वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी सदा सर्व काळासाठी आपल्या आणि आपल्या वंशजांच्या नियंत्रणात की हम उस वचन का क्या कर सके पालन कर सके आपण त्या वचनाचं पालन करू शकतो उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके जे आज्ञेचं आपण पालन करू शकतो दो पॉइंट हम देते हैं आणि दोन पॉइंट आपण परमेश्वर ने कुछ बातें प्रकट की है आणि देवाने काही गोष्टी प्रकट केली आहे क्यों की है त्या का केली हमारे लिए और हमारे वंश के लिए आपल्या सरीने आपल्या वंशासाठी हमारे लिए और हमारे वंश के लिए ऐसी बातें प्रकट की है आणि आपल्या सरीने आपल्या वंशासाठी अशा गोष्टी देवाने प्रकट केली आणि के कारण आप संसार में सब कुछ खुला किया है आणि येशू ख्रिस्त आल्यामुळे आज या जगामध्ये सर्व काही उघडं केलेलं आहे येशू ने कहा मैं आया हूँ परमेश्वर को प्रकट करने के आणि येशू म्हणाले मी आलेलो आहे देवाला प्रकट करण्यासाठी डिटोनॉमी 29:29 डिटोनॉमी 29:29 परमेश्वर आया है यीशु मसीह आए हैं परमेश्वर को प्रकट करने के आणि येशू ख्रिस्त आलेला आहे देवाला प्रकट करण्यासाठी येशू का मुख्य उद्देश्य ही है आणि येशू ख्रिस्ताचा मुख्य उद्देश्य गुप्त में परमेश्वर है जे गुप्त मध्ये जो देव आहे जो संसार में किसी को मालूम नहीं था जो या जगत कोणाला माहित नव्हता उसे प्रकट करने के लिए येशू मसीह आए त्याला प्रकट करण्यासाठी येशू आज येशू मसीह ने जिन लोगों के ऊपर प्रकट कर दिया है आणि आज येशू ख्रिस्ताने ज्या लोकांवरती त्याला प्रकट केलेला आज वो सब लोग प्रभु में है और आज्ञाओं का पालन करते हैं जैसे वहां लिखा है कि वो बातें उनके ऊपर प्रकट इसलिए की क्योंकि वो क्या कर सके आज्ञाओं का पालन कर सके आणि त्या गोष्टी त्यांच्यावरती यासाठी प्रकट करण्यात आले की त्यांनी देवाच्या आज्ञेचं पालन करावं तू मूर्ती पूजा न करणार तू मूर्ती पूजा जागरूकता न करणार जागरूकता परमेश्वर मूर्ती में रहता नहीं देव मूर्ती परमेश्वर क्रोध करने वाला आणि देव क्रोध करणार जलन करने वाला ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर ईर्ष्यावान तो देव आहे लेकिन बहुत दयालु भी है पण तो दयालु ये सारी बातें कैसे प्रकट होगी आणि या सगळ्या गोष्टी अशा प्रकट झाल्या या गुप्त होत्या गुप्त बातें गुप्त गोष्टी होत्या उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया आने के द्वारा हम सब पर और हमारे वंश के ऊपर आज हमारे बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है और एकमात्र ही परमेश्वर है आणि येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आल्यामुळे त्याने सगळ्या गोष्टी आपल्यावरती प्रकट केल्या आहेत आणि आज आपल्या मुलांनाही वंशालाही माहित आहे की येशू ख्रिस्त एकमात्र जिवंत देव आहे लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिसे परमेश्वर ने अपने वश में रखी है आणि काही गोष्टी अशा आहेत ज्या देवाने स्वतःच्या वश मध्ये ठेवल्या आहेत उदाहरणार्थ येशू का आना येशू ख्रिस्ताचं आगमन क्या अभी तक ये बात किसी को ऊपर प्रकट की गई है आणि आतापर्यंत ही गोष्ट कोणावरती प्रकट झालेले आहे का की येशु मसीह कभी आएंगे येशु ख्रिस्त केव्हा येते कोई लोग बोले थे 2012 में आने वाला है आणि काही लोग म्हणाले की 2012 मध्ये येणार 2018 में आने वाला है 2018 मध्ये येणार बोला तर 2020 में आने वाला है कोणी म्हणाले 2020 मध्ये येणार आहे की आपण अपना अनुमान लगाया आणि प्रत्येकाने स्वतःचा अंदाज लावला येशु मसीह ने क्या कहा पण येशु ख्रिस्त काय म्हणाला ही बातें किसी को भी मालूम नहीं की या गोष्टी कोणालाही माहित नाही गुप्त रखी गई त्या गुप्त ठेवण्यात आली आहे सिर्फ पिता को मालूम है एक वक्त पिता को मालूम स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम स्वर्गदूताना पण नाही पुत्र को भी नहीं मालूम पुत्राला ही नाही माहिती किसे मालूम है फक्त कोणाला माहित आहे सिर्फ परमेश्वर को मालूम फक्त देवाला माहित आहे अभी येशू मसीह को भी मालूम है कि येशू मसीह कब आने वाला आणि आता येशू ख्रिस्ताला माहिती की तो कधी येणार आहे लेकिन फिर भी गुप्त परमेश्वर कुछ बातों को गुप्त रखता है ये हमें सिखाता है आणि गुप्त देव काही गोष्टीला गुप्त ठेवणे याचा आपल्याला सांगतो बाइबल हमें बताता है बाइबल आपल्याला सांगतो की नीति वचन अध्याय 25 में नीति सूत्र अध्याय 25 मध्ये प्रोवर्ब्स नीति सूत्र 25 अध्याय 25 उसका 2 में त्याचा 2 मध्ये प्रोवर्ब्स
परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होती है आणि देवाचा गौरव गुप्त गोष्टी ठेवण्यामध्ये, परंतु राजाओं की महिमा क्या होती है, पण राजाचा गौरव काय, गुप्त बातों का पता लगाने से होती आणि गुप्त गोष्टीचा शोध लावला जातो। राजाओं का काम क्या है, राजाचं काम आहे जो बातें गुप्त है, ज्या गोष्टी गुप्त आहे परमेश्वर ने छुपा के रखी है आणि देवाने जर अपून ठेवले उसे बांधून करना त्याला माहीत करून, परमेश्वर कुछ बातें सचमुच कुछ बातें तो अभी तक किसी पर भी प्रकट नहीं किए आणि देवाने खरंच काही गोष्टी अजून कोणावरती प्रकट केले नाही। और एक वचन पढेंगे, अजून एक वचन वाचतोय फिलिपो के काम प्रेषितांचे से बोलते अध्याय एक अध्याय एक एक्ट प्रेषितांचे से बोलते वन अध्याय एक वर्स 7 त्याचं सारा तो त्यांना म्हणाला जे काळ व समय पित्याने स्वतःच्या अधिकारात ठेवले आहे, जो काळ और समय यानी ऋतु और काल समय ये सब किसने, परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखा है, अपनी बातों में रखा है, उसे ते जानने तुमच्या कडे नाही, ये जान लेना और ये तुम्हारा काम नहीं है। इसे परमेश्वर चाहता है कि जिसमें तुम्हें कोई उसका लाभ नहीं है तुम उस बातों में इंटरेस्ट मत लो। तो इसका मतलब हम नहीं लेना चाहिए कि प्रभु कब आने वाला है, लेना चाहिए। प्रभु चाहता है हम गुप्त बातों, इसलिए तो हमने वो पढ़ा ना, राजाओं का काम क्या है, राजा का काम क्या है, गुप्त बातों को गुप्त घोषणा क्या करना, ढूंढना शोधना ढूंढना शोधना। अभी बाइबल हमें बताती है जैसे अगर आप डैनियल के अध्याय में पढ़ोगे बहुत सारी गुप्त बातें डैनियल को प्रकट की गई, खूब सारे गुप्त घोषित डैनियल प्रकट करने लगा। सही बात है, बाइबल हमें बताती है कि डैनियल ने यहाँ तक कि नबूसरत ने देखा हुआ स्वप्न भी जो गुप्त में था किसी को मालूम नहीं था वो स्वप्न तक डैनियल के ऊपर प्रकट किया गया। आणि नबूकदनेस्सर ने स्वप्न पाहिले होते कोणावरती प्रकट झाले नव्हते ते स्वप्न सुद्धा डैनियलवरती प्रकट झाले। देखो योसेफ ने स्वप्न का अर्थ बताया आणि योसेफाने स्वप्नाचा अर्थ सांगितला, उसे स्वप्न बताया गया पण जरा स्वप्न सांगण्यात आलं बरोबर आहे तर उसने वो अर्थ बताया आणि देवाने तो अर्थ सांगितला। नबूसरत राजाने स्वप्न देखा पण नबूकदनेस्सर राजाने स्वप्न पाहिले और वो भूल गया आणि तो विसरून गया। मेन गलती उसकी वो थी कि वो भूल गया आणि मेन त्याची चूक होती की तो विसरून गेला होता। ये होता तो वो कैसे बोल सकता है आणि तो कसा बोलू शकतो, स्वप्न भूल गया स्वप्न विसर मुझे स्वप्न बताओ तुम्हें मतलब स्वप्न सांग, मैं राजा हूँ बस मैं स्वप्न भूल गया मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं तुम मुझे स्वप्न भी बताओ अर्थ भी बताओ। अरे मैं राजा है स्वप्न विसर तुम्हारा सांग नहीं सकता पर तुम्हें स्वप्न सांग जैसा अर्थ बन सकता। इस संसार में कोई भी किसी को पढ़ा हुआ स्वप्न नहीं बता सकता है आणि या जगामध्ये कोणीही कोणाला पडलेलं स्वप्न नाही सांगू शकत। आप जब स्वप्न बताओगे तब हम उसका अर्थ बता सकेंगे आणि जेव्हा तुम्ही स्वप्न सांगा तेव्हा आम्ही त्याचा अर्थ सांगू। आपने रातभर में क्या देखा, पण तुम्ही रात्रभर काय पाहिलं, मैंने रात को क्या देखा, किंवा मी रात्री काय पाहिलं बता सकते हो, तुम्ही सांगू शकता, नाही बता सकते, नाही सांगू शकत। गुप्त बात परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा डैनियल के ऊपर प्रकट किया, पण ही गुप्त गोष्ट देवाने प्रार्थनेच्या द्वारे डैनियलवरती प्रकट केली। सही बात आहे, म्हणून वा क्या गुप्त आगे होने वाली बात प्रकट की है, यानी पूरे होने वाली गोष्ट प्रकट, यहाँ तक कि उसको ये तक बताया कि बड़े चट्टान से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा आकर उस पैर पे लगा, पुतले के पैर को लगा और वो पुतला क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, गिर गया। तो इसे हम उसने आगे होने वाली कि यीशु मसीह आएगा और सब कुछ नाश करेगा, आणि पूरे होने वाली गोष्ट त्यांनी पाहिली की यीशु ख्रिस्त आणि सर्व काही नाश करेल, लेकिन टाइम नहीं बताया, पर वेळ नाही सांगितलं, क्या नहीं बताया, काय नाही सांगितलं, टाइम नहीं बताया, वेळ नाही सांगितलं, होगा ये जरूर बताया, पण होईल नक्की सांगितलं। तो हम मसीह लोगों ने हम परमेश्वर ने एक जगह में ऐसा भी कहा है आणि देवाने एका ठिकाणी असं ही म्हटलंय कि पढ़ लेंगे उस वचन को आमोस की पत्री में, आमोसच्या पत्रीमध्ये 3:7 3:7 आमोस आमोस 3:7 प्रभू परमेश्वर आपले रहस्य आपले सेवक संदेश यांना कळवल्याशिवाय खरोखर काहीच करत नाही। परमेश्वर अपना गुप्त बात अपने प्रॉफिट्स को अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट जरूर करता है, लेकिन कौन से होने चाहिए भविष्यवक्ता, हम पढ़ेंगे उस वचन को दैनिक की पुस्तक में, दैनिक का पुस्तक दैनियल दैनियल 4:9 4:9
तुझ्यात काय आहे? पवित्र देवाचा आत्मा. क्या पढ़ा हमने वहां पर? पवित्र परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर है, इसीलिए तू क्या कर पाता है? गुप्त बातों का भेद जान पाता है. यहाँ तक कि डैनियल को आगे होने वाली बात तक बताया गया, डैनियल पूरे होने वाली गोष्टी सामने आ गया. यहाँ तक कि रैप्चर भी रैप्चर होगा ये तक बताया गया, रैप्चर होना ये सुधा सामने आया, एंटी क्राइस्ट आएगा ये तक बताया, क्राइस्ट से विरोधी ये कौन सामने आया. सही बात है. तो इसीलिए ना राजाओं ने क्या करना चाहिए? शांत परमेश्वर कुछ बातें अपने वश में रखता है, वो चाहता है कि राजा लोग उसमें इंटरेस्ट ले, उसको जानने की दिलचस्पी ले. पंडित जी कि राजा ने क्या गोष्ठी जानून घेने की आवड़ धरा. अयुब भी यही कहता है, अयुब को नहीं मानता. जॉब 11 का अध्याय ये बोल रहे यहाँ पर उसका 6-7 जॉब अयुब तो ज्ञान 11 अध्याय 6-7 तो ज्ञानाचे रहस्य तुला निवेदन करता. हाँ ते तुला ज्ञान का बारे में सिखाता है. आपले चातुर्य बहुगुणित आहे हे तुला तो दाखवता, वो तुझे दिखाता है. तर किती बरे होते, इतना अच्छा होता. देव तुझ्या बहुत अपराधांकडे कानाडोळा करतो हे लक्षात आण. देवाच्या रहस्याचा तुला थांब लागेल काय? सर्व समाजाच्या पूर्णतेचे तुला आकलन होईल काय? तो तू इसे क्या कर? जान के लिए. परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के रहस्य को, परमेश्वर के गुप्त बातों को तू क्या कर? जान के लिए. परमेश्वर भी चाहता है कि उसके लोग उस गुप्त बातों को जाने. मुझे बताओ अगर आपको कुछ गुप्त बात है, कुछ गुप्त बात आपको मालूम है, गुप्त गुप्त तो लोग आपके पास आकर अगर ये आपकी बहन या आपके घर बताना 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 तो आपको अच्छा लगता है ना? अब उन्हें मिले सब ऐसा मिले सामने मिले सामने सही बात है. लेकिन आखिर में बोल के हम बोलते ठीक है मित्र सामने उन्होंने संभव हुआ करते हाँ. हमें भी अच्छा लगता है. हम लोग है ना ज्यादा दिन तक गुप्त बातें रख नहीं सकते. ज्यादा दिन का मतलब हम गुप्त कुछ भी ढूंढना है शायद हमें किसी का कुछ भी है कुछ भी हमारे घर में सोचो मम्मी पापा ने कुछ प्लानिंग किया है. मैंने आपने तो नाई बोला कि नहीं योजना बनाओ. सोचो ब्रांडन मैंने कुछ प्लानिंग किया है. अरे ब्रांडन जी जो भी नहीं प्लानिंग किया है तो वो बोलेंगे वो मैं अश्विनी को नहीं बताऊंगा. आगे बढ़ने की नहीं अश्विनी दायरा नहीं देखिए अश्विनी को मालूम है कुछ ना कुछ तो इन्होंने खिचड़ी पकड़ी है. पर अश्विनी दायरा माइंड है कि टाइम का है जो होना बना सकते हैं ना. सांगा पर बारम्बार वो तगड़ा लगाने के कारण किसी भी इन्हें भी लगेगा मेरे सचमुच मेरी वाइफ को जानकी लेने की कितनी इच्छा है ना. मैं इसको बता देता हूँ. फिर वो बोलेगा मीना तुझे सभी आंटी लेता है कर. अरे तुम्हें गाई पर प्लान में छोटा सा सांगा तुम्हारा कर आता. वैसे ही परमेश्वर को भी अच्छा लगता है जब हम उसे उसके पीछे तगड़ा लगाते हैं और हम उसे पूछते हैं. यहाँ तक कि यीशु भी ऐसा ही कहता है. और यीशु को नजर यीशु कहता है यीशु मंडो हम पढ़ेंगे लूक अध्याय में लूक अध्याय बारह लूक चैप्टर 12 लूक अध्याय 12 और उसका 54 से आणखी तो लोक समुदायाने म्हणाला जेव्हा तुम्ही ढग पश्चिमेकडून वर येताना पाहता तेव्हा तुम्ही लगेचच म्हणता पावसाचे सर येत आहे आणि कसे घडते दक्षिणेचा वारा सुटतो तेव्हा कडाक्याची उष्णता होईल असे तुम्ही म्हणता आणि कसे घडते. अहो ढोंग्यांनो तुम्हाला पृथ्वीवरील व आकाशातील लक्षणांचा अर्थ लावता येतो तर या काळाचा अर्थ तुम्ही का लावत नाही? हा येशू मसीह आणि वाला आहे हे येशू मसीह जे बता रहे थे आणि येशू ख्रिस्त येणार आहे जेव्हा येशू ख्रिस्त सांगतो येशू के आगमन
उनसे क्या परिणाम होगा, यीशु ख्रिस्ताच्या आगमनाने काय परिणाम होईल, उसके बारे में बात करते समय उन यहूदियों को, उन इस्राएलियों को समझ नहीं आ रहा था। आणि त्याच्याबद्दल बोलताना ते यहूदी लोकांना, इस्राएल लोकांना समजून येत नव्हतं। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको एक ऐसा कहा, आणि यीशु ख्रिस्त त्यांना असं म्हणाला, जो भीड़ थे उस मतलब जितनी भीड़ थी उनसे कहा कि तुम बादल को देखते हो, आणि जो लोक समुदायाला म्हणाला की तुम्ही ढगांना पाहता, तो पश्चिम से आया, आणि जर तो पश्चिमेकडून आला तो ते आज बारिश होईल, तुम्ही म्हणता की आज पाऊस होणार आहे, बादल ऐसे आ रहे, अभी पूर्व है ये पश्चिम है, ऐसा आ रहा है आज बादल, बारिश होने वाली है, आणि पश्चिमेकडून ढग येणार म्हणजे पाऊस येणार, जेव्हा आप हवा का रुख देखते हो आणि जेव्हा तुम्ही वाऱ्याला पाहता, आज सोचते आज बहुत अभी गर्मी चालू, आणि तेव्हा तुम्ही म्हणता की आता उष्णता चालू आहे, बहुत तकलीफ होणार, खूप त्रास होणार। जब हमारे क्लाइमेट को हम मनुष्य देखकर बोलते हैं आणि वातावरण ऐसा बोलता की असं होणार, ऐसा होने वाला है, असं होणार आहे, तो येशू कहता है, येशू म्हणतो तुम आकाश के रूप रंगों को देखकर तुम क्या करते हो, तुम भेद बताते हो, आणि आकाश आणि पृथ्वीचे लक्षण पाहून तुम्ही त्या सर्व गोष्टींचा भेद प्रकट करता, इस युग के विषय में भी भेद करना क्यों नहीं जानते, मग या काळाचा भेद प्रकट करून तुम्ही काय करू शकता, आप भी भेदों को जानने के लिए इंटरेस्ट लो, आणि गुप्त गोष्टींना जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आवड घ्या, कौन बोलते हैं सार के नहीं परमेश्वर के, अरे जगह जो नहीं देवा, परमेश्वर क्या करने वाला है, देव काय करना, यीशु के आने से क्या होने वाला है, यीशु आने में काय होने वाला है, यीशु के वह यीशु का चिन्ह क्या है, अरे यीशु का चिन्ह क्या है, सब उस परमेश्वर से जान के लेना, अरे सब देवा को जानो, पूछना, विचारना, यीशु मसीह चाहता है, अरे ये देवा की इच्छा है, और प्रभु बोला भी है कि तुम्हें दृष्टांतों का समझना कठिन है, बाइबल में से बहुत सारे दृष्टांत संसार के लोगों को समझना कठिन है, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान दिया गया है, आणि खूप सारे जे दृष्टांत आहेत दाखले आहेत ते जगात लोकांना समजणं कठीण आहे, पण तुम्हाला त्याचं ज्ञान दिलेलं आहे, अधिकार दिला गेला, तुम्हाला तो अधिकार देणे ज्ञान दिला गेला, तुम्हाला ज्ञान दिला गेला, भेदो का समझ रख सको, की तुम्ही त्या गुप्त गोष्टींची समज धराय, परमेश्वर ने हमें ज्ञान का अधिकार दिया है, आणि देवाने अधिकार आपल्याला दिला आहे, हमें ज्ञान तक दिया है, आणि इतपर्यंत ज्ञान सुद्धा दिला आहे, आपण काय सोचते, आपण काय विचार करतो, आपल्याला कधी होऊ येशू, आणि कधी भी आणि भी होऊ जाने दो, नहीं बताता है परमेश्वर, नहीं बताने को अपना जीवन ऐसा ही चलाओ, अन्य संघ रे मतलब समूह से लापन आपके जीवन से लेकिन बच्चे जैसे पिता माता पिता के पीछे लगते, वैसे हम प्रभु के पीछे लगे, पूछे, अपने आप को तैयार रखे उस बात के लिए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है, आणि जसं मुलं आपल्या आई वडिलांकडे कर्ज लागलो त्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी, मग तसंच आपण आपल्या देवाकडे कर्ज लागलं पाहिजे की त्या गुप्त गोष्टी जाणून घेण्यासाठी स्वतःला तयार झालं। डॅनियलने प्रार्थना की, डॅनियल को जब दृष्टांत हुआ तो उसको दृष्टांत के बारे में समझाने के लिए उसने लगातार प्रार्थना की, आणि त्याने जर दृष्टांत झाला तेव्हा ते दृष्टांत समजण्यासाठी त्याने लगातार प्रार्थना, व्याकुळ हुआ तो व्याकुळ झाला, उपवास केले, त्याने उपवास केला, हम सोचते हैं कि स्वर्गदूत आया और उसे बता दिया, नहीं, ऐसे आसानी से नहीं आया स्वर्गदूत, उसने उसके लिए परमेश्वर के सामने उपवास किए, आणि सहज रीतीने स्वर्गदूत नाही आला पण त्या गोष्टीने त्यांनी देवासमोर उपवास केला, उपवास करने के बाद प्रार्थनाही की, उपवास केल्यावर त्याने प्रार्थना केली, समझा मुझे कि तुम्हाला या गोष्टी समजव, इसीलिए परमेश्वर ने दूत भेजकर उसे समझाया, आणि म्हणून देवाने स्वर्गदूत पाठवून त्या गोष्टी त्याला समजवल्या। दानियल दो के भी दो दो अध्याय दानियल अध्याय दो 18:19 आणि बाबिलाच्या इतर ज्ञानांबरोबर आपला व आपल्या सोत्यांचा घात होऊ नये म्हणून दानियलने त्यांना विनंती केली की या रहस्याचा संबंध आहे, स्वर्गीय देवाने आपल्यावर दया करावी असे त्याच्या जवळ मागावे। क्या की प्रार्थना की की परमेश्वर गुप्त बात हम पर प्रकट करे, यानी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने तकदा कर करके हम परमेश्वर के गुप्त बातों को हम जान सकते हैं, आणि प्रार्थनेच्या द्वारे देवाकडे तंदा लावून जाऊन आपण गुप्त गोष्टीचं रहस्य जाणून घेऊ शकतो। आपण एक रोमियो की पत्री रोमन्स 16:16 उसका 25:25-26 आता जे रहस्य गर्दयुगात गुप्त ठेवलेले होते, हा अभी तक क्या लिखा है, बहुत सारे गुप्त बातें परमेश्वर ने क्या रखे थे, छुपा के रखे थे, परंतु आता जे प्रकट झाले आहे, हा लेकिन अब
परमेश्वर ने कुछ भी छुपा के नहीं रखा। परमेश्वर नहीं चाहता कि अब यीशु मसीह आ गया है तो यीशु मसीह के आने के बाद मैं कुछ बातों को गुप्त रखूं और अपने कंट्रोल तक रखूं। परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवकों पर जो उसके पूछना चाहते जानना चाहते उन पर मैं प्रकट करूं। आणि सर्व राष्ट्रातील लोकांनी विश्वासाच्या आधीन व्हावे म्हणून सनातन देवाच्या आज्ञेने संदेशाच्या लेखकाच्या द्वारे त्यांना जे कळवण्यात आले आहे त्या रहस्याच्या प्रकटीकरणाला अनुसरूनच माझ्या सुवार्तेप्रमाणे व येशू ख्रिस्ताविषयीच्या घोषणेप्रमाणे तुम्हाला स्थिर करण्यास समर्थ असा जो एकच ज्ञानी देव त्याला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे युगाने गौरव होतो। या लिखाणे या लिखात आहे सुसमाचार के द्वारा जो उसने संदेश दिया जो भेद का प्रकाश जो संसार में परमेश्वर ने रखा था वो छिपा रखा था लेकिन अब सनातन परमेश्वर ने जो कभी अनादि अनंत काल तक जो कभी खत्म न होगा उसकी आज्ञा से अब क्या हुआ है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा क्या लिखा है 26 वचन में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। ये पुस्तक किसकी है भविष्यवक्ताओं की आणि संदेश त्यांचा पुस्तक आहे मोसेस भविष्यवक्ता कोण जिसने पुस्तक लिखा वो है जॉन आणि उत्पत्तीने प्रकटीकरणापर्यंत सर्व संदेशांचं पुस्तक आहे शेवटचं पुस्तक लिहिलं यहोवाने स्टार्टिंग का पुस्तक जिस भविष्यवक्ताने लिखा वो है मोसेस आणि सुरुवातीचं पुस्तक जे लिहिलं आहे मोशेने और आखिर का पुस्तक जो भविष्यवाणी लिखा है वो है जॉन आणि शेवटचं पुस्तक जे भविष्यवाणी आहे हे यहोवाने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है एक संदेशांचं पुस्तक आहे किसी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा आणि आज ह्या संदेशाच्या पुस्तकाच्या द्वारे आज हम सब तक क्या हुआ है गुप्त बात प्रकट की गई है आणि आपण सर्वांवरती गुप्त गोष्ट प्रकट केलेली आहे सब बातें इसके द्वारा जान सकते हैं आणि सर्व गोष्टी याच्याद्वारे आपण जाणू सब बातें इसके द्वारा पहचान सकते आणि सर्व गोष्टी याच्याद्वारे आपण ओळखू शकतो। परमेश्वर ने अभी कुछ कुछ लोगों को ज्ञान न होने के कारण उन्हें समझ नहीं आती आणि काही लोकांना ज्ञान नसल्यामुळे त्या गोष्टी समजून येत नाही कोणी लोक पूछते नाही काही काही लोक विचारत नाही देऊने प्रकट नाही की जाते आणि म्हणून त्याच्यावरती प्रकट नाही। अगर हम बायबल का अध्ययन अच्छी रीति से ध्यान से करेंगे पण बायबलचं अध्ययन आपण लक्षपूर्वक चांगल्या रीतीने केलं बहुत सारे गुप्त भेद हम जान पाएंगे पण खूप आपण खूप सारे गुप्त भेद जाणू शकतो जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जेनेसिस पढ़ा आणि उदाहरणाला आपण उत्पत्ती पाहिली इतनी सारी बातें हमने बहुत सारी बातों का अनुभव उसमें से कुछ बहुत सारी गुप्त बातें भी हमने जानी आणि त्याच्यामध्ये खूप सारे गुप्त गोष्टी आपण जाणून घेतली। अभी एक छोटा सा चालू किया था आणि आता आपण निर्गमन चालू केले पहिले तो कभी नहीं सोचा था कि अरे अगर उनको सताव नहीं आता तो लोग निकलते हम क्या सोचे मिश्री लोगों ने तकलीफ दिया मिश्री लोगों ने लेकिन जब प्रचार हुआ वो सिखाने को लिया प्रभु ने तो बताया कि वो परमेश्वर ने इसलिए किया क्योंकि अगर दबाव नहीं आता तो वो निकलते क्या नहीं निकलते ना इसराइली वहां से नहीं निकलते आणि जे इस्रायल लोकांना त्रास झाला नंतर ते लोक तिकडून निघून गेले आराम से ते भाग आणि आराम से तिकडे होते साथ हम योसेफ मर गया फिर भी वो लोग खुशी ने भाग आणि यूसुफ मेला तरी तिकडे आनंदी होते तिकडे निकल जाना चाहिए था ना कनान के देश में आणि निघून जायला पाहिजे होतं ना आता तो खत्म हो चुका था दुसरा तो संपला होता ये बात गुप्त थी जो आणि लोग वचन पढ़ते समय मुझे भी क्लिक हो गया सही बात है तभी तो परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी आणि गोष्ट गुप्त होती पण वाचल्यानंतर देवाने ती गुप्त गोष्ट प्रकट केली तेव्हा सर देवाने विपत्ती जसे जसे हम वचन पढ़ने लगते हैं आणि जसं जसं वचन वाचू लागतो परमेश्वर की बहुत सारी गुप्त बातों को हम जान पाते हैं तेव्हा खूप सारे गुप्त गोष्टी आपण जाणत असतो आज के वचन के अनुसार आजच्या वचनानुसार जितना आपको कुछ बातें प्रकट मालूम करना है परमेश्वर से तो बाइबल में ढूंढो आणि जेवढे गोष्टी देवाकडून तुम्हाला जाणून घ्यायचे तुम्ही बाइबल वाच यहां तक कि येशू का आगमन इतपर्यंत येशू का दुसरा आगमन दुसरा आगमन जैसे मैंने परमेश्वर से जान लिया कि इसराइल में जो कुछ होगा वो चिन्ह है हमारे लिए आगमन का मतलब रैप्चर का आणि इसराइल मध्ये जे काही होईल त्याचं चिन्ह आहे आपल्याला रैप्चर साठी हम इसराइल को देखे आणि आपण इसराइलला पाहतो इसराइल में क्या हो रहा है इसराइल मध्ये काय होत आहे तिसरे मंदिर तिसरा मंदिर बांधने की घोषणा डिक्लेअर हुआ तो समझ जाने का प्लानिंग सर्व रैप्चर नजदीक आ चुका है आणि मंदिर बांधण्याची जर घोषणा झाली तर मग समजून जायचं की रैप्चर आता होणारच आहे म्हणजे बांधकाम चालू बांधकाम बाद में होएगा घोषणा बाद में होएगी बांधकाम का प्लानिंग आणि जे बांधकामाची योजना चालू झाली आहे
तो ये ऐसे कुछ कुछ पॉइंट जैसे फसल जो त्योहार जो परमेश्वर ने बताए हैं जैसे यीशु ने भी पालन किए हैं जैसे यीशु मसीह पर पालन किए हैं, बहुत सारी बातें उसके द्वारा भी सीख सकते हैं। गुप्त भय भले फर्क इतना है कि हम प्रॉपर नहीं बोल सकते कि 2024 में रैप्चर होगा 2026 में रैप्चर होगा, हम ऐसा प्रॉपर नहीं बोल सकते। अपन प्रॉपर नहीं सांगू शकत की 2024 मध्ये होगी 25 मध्ये होगी हम नहीं बोल सकते आणि अपन सांगू नाही शकत, लेकिन कभी भी हो सकता है, कभी हो सकता है। फसल हमेशा याद रखे आणि नेहमी वलांटांचं लक्षात ठेवा, अच्छा सवा दिन याद रखे, पानाचा दिवस लक्षात ठेवा। फसल के बाद अभी जैसे अभी हमारा फसल आएगा आणि आता आपला वलांटांचं आएगा ना, ये ना कभी है, कभी आहे एप्रिल महिने हमारे एप्रिल महीने की 7 तारीख को है आणि एप्रिल महिन्याच्या 7 तारखेला हमें हे मनाना आहे आणि आपल्याला मनवाचे 50 दिन त्याच्यानंतर ते 50 दिवस पुनरुत्थान का से गिनना अरे पुनरुत्थान पासून 50 दिन गिनना 50वा दिवस जून महिना आएगा जून महिना येईल गिनना जागृत रहना आणि जागृत रहना तो हम इसका तर्क लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं आणि आपण त्याचा अनुमान लावू बाइबल के अनुसार हम बहुत सारी बातें ढूंढ सकते हैं आणि बाइबल के अनुसार हम खूप सारा गोष्टी आपण शोधू शकतो अच्छा सकते आणि स्वतःला वाचू शकतो। हालेलुया हालेलुया। अगर सोचो रैप्चर हो गया, सोचो ये साल रैप्चर हो गया जून में चले गए आणि या गोष्टी रैप्चर झाला जून मध्ये आपण निघून गेलो, हाँ तो जून में आप चले गए जून मध्ये निघून मी आले गए मी राहिली तो फिर येशू का आगमन मैं येशु का आगमन हाँ वो कौन से महीने में होगा, 7 साल तो मुझे जीना ही है एंड 7 वर्ष तो मेरा ज्यादा ही सब कौन सा महीना है और कौन सा महीना सारा हमने सिखाया था यहाँ पर एंड सब शिकोरे शाम की कली से आपको सारे वैसे हम रही जाए तो ये वो महीना याद रखना लक्षण तो ये सारी बातें हम हमेशा मन में फीड करना आणि या सगळ्या गोष्टी मनामध्ये फीड ठेवा। आम्ही कोई भी बात परमेश्वर की गुप्त जानना है तो इसमें ढूंढना आणि देवाचे कोणती गुप्त गोष्ट जाणून घ्यायची आहे याच्यात शोधा, सब प्रभू इसके द्वारा प्रकट करतात आणि सर्व देव याच्यामध्ये प्रकट करतो, इसके बाहर कुछ मत ढूंढो आणि याच्या बाहेर काही नका शोधो। हनुमान यही जोड़ से है आणि हे ते तुम्हाला म्हणते आम्हाला परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है आणि आपला देव खूप चांगला देव आहे। आप सब राजा सगळे राजा परमेश्वर के गुप्त भेद जानने के लिए परमेश्वर आप में इंटरेस्ट लेता है कि आप उसके पीछे लगो और उसके गुप्त भेद को जानो आणि गुप्त गोष्टी जाणून घेण्यासाठी तुम्ही देवाच्या मागे लागा आणि तुम्ही त्या गुप्त गोष्टी जाणून घ्या, ही प्रभूची इच्छा आहे आणि देवाची इच्छा आहे। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करूया तो परमेश्वर के गुप्त भेदों का ज्ञान चाहिए ना आणि देवाच्या गुप्त गोष्टी आम्हाला ज्ञान पाहिजे ना समज पाहिजे ना चाहिए ना प्रभु आपके सामने आते प्रभु। प्रभु आपने कहा कि तुम्हें भी परमेश्वर के गुप्त भेदों का ज्ञान क्यों नहीं है, जबकि तुम्हारे पास तो मैंने अधिकार दिया है, लोगों के पास नहीं है लेकिन तुम्हें तुम्हारे पास अधिकार दिया गया है कि तुम गुप्त भेदों का परमेश्वर के राज्य के गुप्त भेदों का भेद तुम जान सको। तो प्रभु यीशु हम सभीओं को प्रभु जो जो बातें गुप्त अभी भी हैं हम पर छुपी हुई है वो हम जानने के लिए हम उसमें इंटरेस्ट लें और बाइबल में ढूंढे और आप हम पर प्रकट करें, उसके लिए आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बहुत सारी गुप्त बातों को हम जान सकें। ये मेरी बेनती मेरी प्रार्थना है, इन्हें ज्ञान दे प्रभु समझ दे प्रभु, ज़्यादा आपके बातों में जो बातों अभी तरफ छुपी हुई है हमारे वंशों से छुपी हुई है उसे तो प्रकट करना चाहता है, लेकिन उन्हीं पर प्रकट होगा जो पवित्र आत्मा से भरकर मांगेगा पूछेगा तद्दा लगाएगा उस पर जरूर प्रकट होगा। तो हम भी वैसे ही होने के लिए तो मदद करना, हम कंटिन्यूसली प्रेयर करें फास्टिंग करें और आपके चरणों में बैठकर पूछे मांगे तो क्यों नहीं तो बताएगा सर। इन सबकी सुधी लेना तो इन सबको आशीषित करना, करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए मदद करना, आंखों की पोती के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा अपने मगन रहने के लिए मदद करना, इनमें से कुछ लोगों का शब्द है शब्द की सारी आशीषें नहीं देना, इनके काम धंधे में तो बढ़कर जाना, आत्मा में बलवान होने के लिए इन सबको तुम मदद करना, इनमें से सारे जवानों को आपके हाथों में दे दो, जवान की अभिलाषा से दूर रखना, शुद्ध पवित्र जीवन तुझ में जीने के लिए मदद करना, सारी गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करना,
घर के बच्चे की बाढ़ बढ़ती बहुत अच्छे से होने के लिए मदद करना, कोई भी तकलीफ कोई भी हानि होने नहीं देना, रक्षा करना। सारे फैमिलीज को ईश्वर के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ और आपके छेदे हुए हाथों में सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव मैं आपको देती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमीन।